नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि डीजीटी जो आईटीआई का रिजल्ट है वो 100% काम कर ली है और सोमवार को मंडे को रिजल्ट घोषित कर देगी या फिर 20 तारीख के अंदर अंदर रिजल्ट पूरे घोषित कर देगी। थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम फंस रहा था जिसको पूरा कर लिया गया है। हालांकि कोरोना के कारण कई अधिकारियों को कोरोना हो गया है जिसके काम प्रभावित हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन डीजीटी मंडे तक में अपना पूरा रिजल्ट का काम कर लेगी, हो भी गया है, 95% काम हो भी गया है। 5% जो काम बचा है वो आज और कल परसों 3 दिन में कर लिया जाएगा, इसके बाद अपलोडिंग का काम चालू हो जाएगा। तो आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि सोमवार को शाम को या मंगलवार को सुबह तक में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी डीजीटी देगा, या 20 तारीख तक मान के चलिए, क्योंकि बड़े अधिकारियों को कोरोना हुआ है, बड़े अधिकारी को कोरोना हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन डिले होगा नहीं। एक चीज बता रहा हूं, इसके बाद जो टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगी तो 20 से लेकर के 25 तारीख तक, 28 तारीख तक की डेट है, 25-26 तारीख तक पूरा सारा काम करके डीजीटी फुर्सत हो जाएगा। और जो बचेगा, अगर नोडल की गलती है, आईटीआई की गलती है, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है तो वो भुगतेंगे, क्योंकि डीजीटी अपना रिजल्ट का काम बहुत ईमानदारी से और बहुत सफाई से वेरीफाई करके रिजल्ट डाल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि थोड़ा सा वेट करिए, डीजीटी रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा है। आप लोग छटपटा रहे थे कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई, जब वही बार बार रिजल्ट को रिपीट किया जा रहा था तो दिक्कत हो रही थी, डीजीटी रिस्क नहीं उठाना चाह रही थी, डीजीटी 100% रिजल्ट देना चाह रही थी, इसलिए अब 100% रिजल्ट दे रही है। और हो सकता है उसके पहले भी खुशखबरी आपको मिल जाए। तो जैसे जैसे पूरा रिजल्ट का डेटा आ गया है, वेरीफाई हो गया है, वो हमको लगता है कि सोमवार को ही कहीं रिजल्ट ना दे दे, मंगलवार की वो ना करे, लेकिन चूंकि दो बड़े अफसरों को जो है तो कोरोना हुआ है तो हमको लग रहा है, चूंकि रात में मेरे पास सूचना आई थी कि ऐसे लग रहा है कि कहीं है एक दो दिन 20 तारीख तक ना चला जाए, लेकिन चूंकि काम हो गया है, अपडेट भर करना है तो उसमें अधिकारियों का काम नहीं रहेगा, छोटे अधिकारियों का काम रहेगा तो काम हो जाएगा। इसलिए आप लोग मकर संक्रांति की बधाई के साथ साथ जो तिल के लड्डू भी आप लोग खाइए और अपना रिजल्ट का भी लड्डू खाइए आप लोग, और खुशियां मनाइए। मैंने आप लोगों को बार बार बोला कि आप लोग धैर्य बनाए रहिए, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट आएगा। अब रह गई बात, इसके बाद रह गई कि बहुत सारे लोगों का जो एनटीसी वाला प्रॉब्लम थी फोटो के लेकर के और रिजल्ट को लेकर के और उनका ग्रीवेंस करने के लिए, तो वो भी मैंने बता दिया है, वो भी मैंने मेल करके बकायदे पूरे पॉइंट उठा दिया हूं, और वो कोशिश करेंगे, उन्होंने बोला है कि सर ये कोशिश करेंगे कि ये भी प्रॉब्लम मंडे तक में या फिर 20 तारीख तक में हो जाए। लेकिन अगर मान के चलिए कि सर्वर में किसी भी प्रकार का और ज्यादा लोड होता है तो रिजल्ट घोषित करने के बाद हम 25 तारीख तक, 26 तारीख, 28 तारीख लास्ट डेट दिए हुए हैं कि 28 तारीख तक में हम ये सारे काम कर लेंगे। तो जिसकी मार्कशीट में भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी मार्कशीट डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, या जिसके फोटो सिग्नेचर या डेट ऑफ बर्थ में हो रही है, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगे, ग्रीवेंस खुल जाएगा, ग्रीवेंस में आप अपना अप्लाई बाद में करते रहेंगे और काम होता रहेगा। तो इसलिए इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि डीजीटी जो है तो मंडे तक में या मंगलवार तक में बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकता है रिजल्ट को लेकर के, और वो भी 100%। तो आप लोग
मैंने इसीलिए बोला था कि 20 तक वेट करिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मंडे को आ जाए, कुछ दूसरे दिन आ जाए। मैंने 20 तारीख तक तो मैंने इसीलिए टाइम दिया था कि अगर कुछ न कुछ ऐसा कुछ होता है तो उसके पहले आ जाएगा। और 28 तारीख तक टारगेट रखी है। इस बार DGT टारगेट बेस्ड काम कर रही है, तो उसने अपना टारगेट बनाया है कि हमको कब कब क्या क्या करना चाहिए। तो एक स्लॉट मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो, कि 11 तारीख के बाद दूसरा स्लॉट जो है तो मंडे को आएगा, और मंडे को आने के बाद वो स्लॉट एक जो है तो चला जाएगा 20-22 को, 25 को और 28 को। इसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ये ITI टास्क शो है, देखते रहिएगा। कोरोना की महामारी की बीमारी में वैक्सीन लगवाइएगा, ठंड में गरीबों को कपड़े दान दीजिएगा, पानी बचाइएगा, पौधे लगाइएगा, और ITI टास्क शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।